कोटला किले में अब नमाज पढ़ने वालों को 25 रुपए देने होंगे। दरअसल काफी समय से लोग किले के अंदर नमाज अदा करते रहे हैं। पहले सिर्फ पर्यटकों को ही टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब नमाज पढ़ने वाले लोगों से टिकट लेने के फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले में नमाज पढ़ने वालों को अब 25 रुपए अदा करने होंगे। इससे पहले कोटला में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ पर्यटकों को ही टिकट लेना पड़ता था। अब जिसके पास टिकट होगा वही अंदर जाकर नमाज पढ़ पाएंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए काफी संख्या में आते थे, लेकिन जब से नमाज पढ़ने वालों को भी टिकट लेने का फरमान आया है तब से नमाज पढ़ने वालों की तादाद में काफी कमी आई है। कोटला में नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम इस फैसले से नाराज हैं। हमने गार्डन में तो घूमना नहीं है, हमने अंदर जाके कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि अंदर यहाँ मस्जिद है 800 साल पुरानी, 1354 की बनी हुई। तो हम तो वहाँ मस्जिद में आते हैं, हमें और किसी जगह से कोई मतलब नहीं है। अब अंदर जाने नहीं देते हैं। अब या किसी का 25 रुपये हो तो अंदर जाए वो, और नहीं हो तो वो क्या करेगा। हालांकि ASI ने किसी के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई है और लोग टिकट लेकर नमाज पढ़ने भी आते हैं, लेकिन 25 रुपये टिकट लगाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि किसी तरह का भेदभाव न रहे। पैसे देने पड़े, मैंने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं। तो उसके बाद में 5 रुपये की टिकट हुई, 10 की हुई, 15 की हुई, आज वो नौबती आ गई 25 रुपये की टिकट हो गई, समझ लेना मेरी बात। अब उसके बावजूद भी मतलब ये होता है टिकट ले, अरे कोई नमाज की जगह कोई इबादत की जगह को टिकट ली जाती है क्या। दरअसल ASI का फैसला इसलिए भी है क्योंकि कोटला एक ऐतिहासिक इमारत है और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी के पास। इससे पहले काफी संख्या में लोग यहाँ आते थे और कई बार भीड़ की वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। 25 रुपए कई लोगों के लिए बड़ी रकम नहीं हो सकती, लेकिन जिन लोगों के पास 25 रुपए नहीं है, जिन्हें दुआ पढ़नी है, क्या वो पैसा दे पाएंगे, क्या वो अंदर जाके नमाज़ पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप अंदर जाके नमाज अदा नहीं कर सकते। महिमा कटारिया, Zee Media, दिल्ली।